नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड, जेपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर के 637 पदों की नियुक्ति के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराई थी उसका कट ऑफ मार्क जो है कि जारी कर दिया। जी फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि 14 अगस्त को इसका जो रिजल्ट जो था जारी किया गया था जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर जो है कि 17 अगस्त को जो है कि इसके लिए जो है कि कट ऑफ मार्क्स को जारी किया गया। आप लोग को बता दें फ्रेंड, जो प्रारंभिक परीक्षा में जो टोटल जो है कि 5,505 अभ्यर्थी जो है कि पीटी में तीन हुए, जिसमें कि सिविल इंजीनियर का जो यहां पर 542 पद के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें कि 4,536 अभ्यर्थी जो है कि सफल हुए, और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो कुल जो पद निकाला गया था भर्ती के लिए 95 थे, और इसमें जो कि टोटल 969 अभ्यर्थी जो है कि सफल हुए। फ्रेंड्स, यहां पर ऑफिशियली जो कट ऑफ मार्क्स जो है कि उसे जारी कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन कौन से कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया, और इसके जो मतलब क्या इसकी संभावना है सितंबर में एग्जाम होने की, जो मेंस एग्जाम होंगे क्या सितंबर में हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, आगे किस वीडियो में आप लोग से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस तरह के वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे का जो भी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पर कटअप देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, आप जो है कि डाउनलोड इसे डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आप लोग कैटेगरी वाइज आप लोगों को कटअप बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सिविल इंजीनियरिंग था इसके लिए यहाँ पर कटअप जो जारी किया गया है वह जनरल कैटेगरी वालों के लिए 184 जो कि कट ऑफ गया है, और जो ईडब्ल्यूएस वाले थे उन लोगों के लिए मेल के लिए 120 गया है, और फीमेल के लिए जो है कि यहां पर 106 गया है। ठीक है, और जो एसटी कैटेगरी वाले हैं उन लोग के लिए यहां पर कट ऑफ जो गया वह 96 गया है, और एससी वालों के लिए 115 गया है, और यहां पर बीसी वन वालों के लिए जो है कि 142 गया, और बीसी टू वालों के लिए जो है यहां पर 129 जो है कि कट ऑफ गया। तो यहां पर कैटेगरी वाइज देख लीजिए कि कौन से कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहां बता दिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए जो यहां पर वुमेन के लिए जो कट ऑफ गया है वह 179 गया है, और स्पोर्ट्स के लिए जो है कि यहां पर 108 गया है, और ब्लाइंड जो है उन लोग के लिए 132 गया है, और डीफ एंड डंप जो डंप के लिए जो है कि यहां पर 120 गए हैं, और जो लोकोमोटिव है इन लोग के लिए जो कि 138 जो है कि कट ऑफ गया है। तो फ्रेंड्स, यहां पर बताया जा रहा है कि जो जो ऑटिज्म एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी थे उन लोग के लिए यहां पर कुछ बताया जा रहा है कि ओनली टू कैंडिडेट अपीयर्ड वन सिलेक्टेड में बाय मेरिट एंड अनदर इज डिस्क्वालीफाइड, यानी टू कैंडिडेट जो थे किसमें अपीयर किए थे, जिसमें कि एक का जो है कि यहां पर क्या किया गया कि जो भी मतलब यहां पर एक को क्वालिफाई किया गया और एक और जो है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, एक को सेलेक्ट किया गया और दूसरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए कि कुछ नोटिस यहां पर आप लोग को बताया जा रहा है कि इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी टोटल वैकेंसी 52 एंड एसटी कैटेगरी टोटल वैकेंसी 128, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी हैव नॉट अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन द पीटी एग्जाम्स। तो आप लोग को बता दें फ्रेंड्स कि ये जो वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें कि टोटल ईडब्ल्यूएस के लिए 52 सीटों के लिए निकाली गई थी, और जो एसटी कैटेगरी के जो लोग थे उन लोग के जो कि 128 सीटों पर भर्ती निकाली गई थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जो भी मतलब यहां पे कैंडिडेट थे यहाँ पर जो कि 10 टाइम्स जो है कि यानी कि 10 गुना जो है कि यहाँ पर एटलीस्ट जो है कि 10 गुना यहाँ पर वैकेंसी के लेने थे, जितना वैकेंसी आया था उसका 10 गुना कैंडिडेट को जो है कि क्वालिफाई करना मतलब लेना था। तो जिसमें कि क्या हुआ कि जो 10 गुना जो स्टूडेंट हैं वह क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं जो मतलब ईडब्ल्यूएस और जो एसटी कैटेगरी में थे, तो उन लोग का रिजल्ट जो है कि 10 गुना से कम जो है कि यहाँ पर जारी किया गया, और जो अदर जो कैटेगरी के हैं उन लोगों का जो कि कम यहाँ पर जो है कि 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना जो है कि वैकेंसी का जो यहाँ पर जो है कि रिजल्ट जो है कि जारी किया गया। लेकिन जो एसटी और जो ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उन लोगों का जो है कि रिजल्ट 10 गुना से कम दिया गया है यहां पर, क्योंकि बहुत से लोग जो है कि उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए हैं यानी कि क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर आप लोग को बता दें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था इसके लिए जो कट ऑफ निकाला गया है, इसके लिए कट ऑफ मार्क देखिए जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 204 गया है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो कि 123 गया है, और एसटी के लिए 153 है, और एससी वालों के लिए यहां पर 173, और बीसी वन वालों के लिए 191, और बीसी टू वालों के लिए जो यहां पर कि 182 यहां पर गया है इस बार का कट ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है मैकेनिकल इंजीनियर का वो वुमेन के लिए 176 गया है, और स्पोर्टमैन के लिए 105 गया है, ब्लाइंड के लिए जो है कि 99 गया है, और डीफ एंड डम के लिए जो है कि 114 गया है, और जो लोकोमोटिव है इन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर 160 गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो है कि इसमें जो कि कोई भी कैंडिडेट जो है कि यहाँ पर इसमें नहीं थे। ठीक है, अंडर दिस कैटेगरी जो है कि कोई भी ऑटिज्म एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए जो है कोई भी कैंडिडेट इसमें नहीं थे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को कैटेगरी वाइज जो है कि आप लोग को मालूम चल गया कौन कौन सी कैटेगरी में जो है कि कितना कट ऑफ गया। तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पर बता दे जो जेपीएससी का जो यहाँ पर जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें जो था कि जो एई के लिए यानी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो एग्जाम का डेट जो बताया गया था उसमें 7 से 9 सितंबर तक बताया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखा जाए तो रिजल्ट काफ़ी लेट से आई है, तो ऐसा उम्मीद नहीं है कि मतलब कि 7 से 9 सितंबर तक जो है कि इसके एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक जो है कि एक लॉकडाउन चल रहा है कोरोना को लेकर जो है कि कुछ समस्याएं जो चल रही है राज्य में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि 7 से 9 सितंबर तक जो है कि आपके एग्जाम जो है कि नहीं होने वाले हैं। हो सकता है कि इसके जो एग्जाम है लास्ट सितंबर में या फर्स्ट जो है कि अक्टूबर में होने के चांसेस जो है कि ज्यादा हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर समय भी मिल जाएगा जो है कि यहाँ पर तैयारी करने के लिए। तो अगर जो भी मतलब कैंडिडेट पीटी एग्जाम में क्वालिफाई हैं उन लोगों के सबसे पहले तो हमारी ओर से धन्यवाद और क्या बोलते हैं कि हमारी ओर से बधाई। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कि मेन्स एग्जाम में लग जाए क्योंकि और जो है कि आप लोग कुछ ज्यादा समय जो है कि मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सितंबर में जो कि एग्जाम नहीं होंगे और लास्ट सितंबर में हो सकता है चांसेस हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस सितंबर के बाद यानी अक्टूबर में ही होने के चांस है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों में से शेयर भी कर देंगे। फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।